इस वक्त मैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हूँ। यहाँ पर अब समापन हो चुका है शिखर सम्मेलन का, और शिखर सम्मेलन के समापन के बाद पीएम मोदी ने कई बायलैटरल्स भी किए हैं। उस बायलैटरल्स के बाद यहाँ पर मीडिया सेंटर में वो आए, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसके यहाँ पर आए वो, और उनका जो जर्नलिस्ट यहाँ पर हैं उनका अभिवादन किया। करीब 3,500 जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था इसके लिए। यहाँ देश के बाहर के जर्नलिस्ट ने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो सब कुछ जो शिखर सम्मेलन से जुड़ी जितनी चीज़ें थी उनके समापन के बाद यहाँ पर पीएम आए और उसके बाद अभिवादन करके गए। तो अब जो है ये जगह भी, यहाँ से आप धीरे धीरे जर्नलिस्ट जो हैं वो निकल रहे हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो जिनकी डेडलाइन है और वो अपनी स्टोरीज जो है वो फाइल कर रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। तो उसके बाद ये मीडिया सेंटर भी बंद हो जाएगा। तो अब इस लगता है कि जैसे इतने वर्षों में ये सबसे बड़ा आयोजन है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में डेलीगेट्स भी आए, जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो भी आए, और मीडियाकर्मी भी इतनी बड़ी संख्या में आए। लेकिन अब ये दो दिन का जो महाआयोजन था जिसकी तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी वो अब खत्म हुआ, और यहाँ से अब बाकी लोग भी निकलेंगे। और ये याद किया जाएगा कि किस तरह से G20 का शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ उसमें किस तरह की जो उपलब्धियाँ हैं वो भारत की आई, और कितना बड़ा आयोजन जो है, एक बेहतरीन आयोजन यहाँ पर किया गया। दिल्ली से कादम्बरी शर्मा, NDTV इंडिया।